सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। और आज हम डिस्कस करेंगे अडानी ग्रुप के शेयरों के बारे में। जैसा कि आप देखोगे, बहुत बड़ी अपडेट आई है अडानी ग्रुप को लेकर। यहां पर आप देख सकते हो भी अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों को लेकर आई अच्छी खबर। क्या है पूरी खबर डिटेल में जानेंगे, उससे पहले एक बार जो अडानी ग्रुप के शेयरों में आज का माहौल बना हुआ है वो देख लेते हैं, कहाँ पर क्या हमें जो ना भी करना चाहिए। तो चलो पहले देखते हैं अडानी ग्रुप के सभी शेयर, उसके बाद ये खबर देखेंगे क्या है पूरा मामला। जैसा कि आप देखोगे भाई, अडानी ग्रुप के सभी शेयर आज हमें जो ना भी सुस्त दिखाई दिए हैं। थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिले स्टॉकों में, 1% के आसपास सभी शेयरों में लगभग हमें जो ना भी करेक्शन देखने को मिला है। अडानी एंटरप्राइजेज आप देखोगे 1.5% के आसपास स्टॉक टूटा और 1850 पर क्लोजिंग लिया है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके अडानी ग्रीन एनर्जी की, तो अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी हमें जो ना अभी 1.1% की गिरावट देखने को मिली है और 952 रुपये पर स्टॉक ने क्लोजिंग लिया है। अगर बात करें इसके अगले शेयर यानी कि अडानी पोर्ट्स, अडानी पोर्ट्स में भी लगभग 1% के आसपास करेक्शन। अडानी पावर में आप देखोगे 0.6% के आसपास करेक्शन। अडानी ट्रांसमिशन में 0.7% के आसपास करेक्शन। ATGL थोड़ा हमें ग्रीन दिखाई दिया है, बट अडानी विलमार में भी आप देखोगे 0.8% करेक्शन। तो लगभग आप देखोगे अडानी स्टॉक्स में हमें जो ना अभी आज के दिन थोड़ी गिरावट देखने को मिली है 1% के आसपास, बट ज्यादा भी करेक्शन नहीं हुई है। तो ये जो खबर आई है वो अडानी ग्रुप के लिए काफी शानदार है। पिछले कुछ टाइम से आप देखोगे जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, अडानी ग्रुप अपने आप की जो छवि है उसको सुधारने के लिए हर एक प्रयास कर रहा है। तो यहां पर यही खबर आते नजर आई है। तो चलिए देखते हैं भाई क्या है खबर और उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या अडानी ग्रुप के शेयरों के अंदर पैसा लगाने का एक सही मौका है या फिर अडानी ग्रुप के शेयरों से अभी हमें दूर रहना चाहिए। चलो फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे CNBC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर हमें जो है ये अपडेट देखने को मिली है। क्या है पूरा मामला चलिए देखते हैं। अभी आज के दिन आते नजर आई है 18 तारीख को 2:29 पर। तो यहाँ पर आप देखो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप में मची उथल फुथल को कंट्रोल करने के लिए आप देखोगे अडानी ग्रुप हर तरह के जो प्रयास हैं वो करते नजर आ रहे हैं। सभी को पता ही है भाई, ठीक है, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट हुई थी आने के बाद आप देखोगे अडानी जो उथल फुथल हुई शेयरों में, उन सबको जो ना अभी ग्रुप कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में आप देखोगे अडानी ने अब गिरवी और बॉन्ड के रूप में $3 अरब का जो ना भी आप देखोगे रीपेमेंट किया है। जी हाँ, $3 अरब, थोड़ी अमाउंट नहीं होती है, इसका रीपेमेंट किया है। लाइव मिंट के मुताबिक आप देखोगे, लाइव मिंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें जो ना ये बोला कि वहाँ पर ये अपडेट देखने को मिला है, उसी के मुताबिक अडानी ग्रुप ने मार्च में कम से कम $3 अरब का जो भुगतान है वो किया है, जिसमें प्रमोटर ग्रुप ने जो गिरवी को कम किया एवं निवेशकों और क्रेडिटर्स की चिंताओं को दूर करने के लिए 3 घरेलू म्यूचुअल फंड्स के साथ बॉन्ड का निपटान भी किया है। तो 3 म्यूचुअल फंड्स के साथ बॉन्ड का निपटान किया है और आप देखोगे प्रमोटर्स के जो गिरवी शेयर थे उनको भी रिलीज करवाया है। तो चलिए देखते हैं अभी पूरा का पूरा मामला क्या। लगातार कदम उठा रहा है अडानी ग्रुप। एक्सपर्ट का कहना है कि प्रमोटर्स की जो गिरवी को कम करने के लिए ये किसी भारतीय ग्रुप की तरफ से एक तिमाही में खर्च की गई अब तक की सबसे बड़ी राशि है। ठीक है, लाइव मिंट के मुताबिक इसके अलावा आप देखोगे ग्रुप ने कम से कम 3650 करोड़ रुपये जो ना भाई आप देखोगे कमर्शियल पेपर्स के भी चुकाए हैं, जो आप देखोगे SBI म्यूचुअल फंड्स के है लगभग 2750 करोड़ रुपए, आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स के आप देखोगे लगभग 500 करोड़ रुपए, HDFC लाइफ के आप देखोगे लगभग जो है 450 करोड़ रुपए को मार्च तिमाही के दौरान बेचे गए थे। बता दें कि कमर्शियल पेपर्स कॉरपोरेशंस की तरफ से जारी एक अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट है। ये आमतौर पर शॉर्ट टर्म देनदारियों जैसे कि पेरोल, देय खातों और इन्वेंट्री की फंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ना अभी कंपनी ने चुकाया है। उसके साथ साथ आप देखो ग्रुप की मार्केट वैल्यू में गिरावट आई थी, भी आपको बताया $145 अरब जो ना अभी टूटा था स्टॉक जो ग्रुप है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। उसके साथ साथ आप देखोगे भाई निवेश को तो भारी नुकसान हुआ ही था, आपने पता ही होगा भी वहाँ से निकलना स्टार्ट किया तो जो ग्रुप है वो पूरी तरीके से बिखर गया था। इससे पहले ग्रुप में आप देखोगे मार्च फरवरी में बड़े निवेशकों और क्रेडिटर्स के साथ सिंगापुर और हांगकॉन्ग में रोड शो भी होते हुए नजर आए थे। ठीक है, अदानी समूह ने शेयरों में भारी सुधार के बाद आप देखोगे US आधारित बुटीक एसेट मैनेजमेंट
कंपनी जी क्यू जी पार्टनर्स ने लगभग आप देखोगे 2 मार्च को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड में 3.4% इक्विटी ली, ठीक है। उसके साथ साथ अडानी पोर्ट्स में आप देखोगे 4.1%, अडानी ट्रांसमिशन में आप देखोगे 2.5%, और अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स आप देखोगे जो अदानी ग्रीन है उसमें 3.5% के साथ कुल 1.88 बिलियन डॉलर का यानी कि 15,446 करोड़ रुपए का निवेश किया था। किसने? जीक्यूजी पार्टनर्स ने। तो काफ़ी बड़ी ये जो ना भी फंडिंग आई थी, ठीक है। इन सब के साथ साथ आप देख सकते हो भी ये बड़ी खबर हमें देखने को मिली है जो कि अडानी ग्रुप के लिए काफ़ी शानदार साबित होने वाली है। तो 3 अरब डॉलर का जो ना भी आप देखोगे रीपेमेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो ना पूरा डाटा भी दिखा दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ से अब आप देखोगे भी डेट कम कर रही है ग्रुप, यानी कि अपने आप को सुधार करने के लिए, अपने आप की जो छवि है वो सुधारने के लिए यहाँ से इन शेयरों में काफ़ी अच्छा मौका बनने वाला है। तो अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, इन शेयरों के ऊपर मैंने काफ़ी बार वीडियो भी बनाए हैं और आपको डिटेल में बताया कि हमें क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा अभी एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है और स्टॉकों में यूसी लगने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई एक आधी रिपोर्ट जारी कर देता है, ठीक है, प्रकाशित कर देता है कोई ना कोई किसी भी बात के ऊपर, किसी भी मुद्दे को उठाकर, फिर स्टॉक जो है अभी फिर से टूटने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स विश्वास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे जीक्यूजी ने जो उनके फंडिंग है उन्होंने विश्वास करके लगाई है, तो वहाँ से उनको जो ना अभी 100% का जो ना अभी रिटर्न्स मिल चुका है। तो इसी प्रकार आप लोगों को भी रिटर्न मिलेगा, तो एक बेस्ट मौका साबित हो सकता है। तो अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर एज ए लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम सोचें तो स्टॉक बेस्ट रहेंगे, बट विदाउट एसएल स्टॉक में मत बैठना। अगर कोई भी नेगेटिव अपडेट आती है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो स्टॉकों में गिरावट होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।